Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study Adventures of Toto. As you are watching in the picture, यहाँ तक हमारी स्टोरी पहुँच चुकी थी जो टोटो नाम का एक मंकी होता है, बंदर का बच्चा होता है, उसे दादाजी कहीं से खरीद कर लेकर आया करते हैं एक टोंगा ड्राइवर से, और उसे खरीद कर लाने के बाद दादी से बचने के लिए जो दादी माँ थी कहीं इसे ना देख लें तब तक कि जब तक उनका मूड बहुत अच्छा नहीं हो, ये लोग जो हैं ये डिसाइड करते हैं, ये राइटर और दादाजी, कि दादी माँ को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएंगे। तो ये इसे छिपा कर रखते हैं घर के अंदर, जब वो रखा करते हैं एक कवर्ड के अंदर, तो उसमें जो उसका सूट वगैरह टंगा होता है, ब्लेज़र टंगा होता है, तो उसका कितने अच्छी से क्या हाल किया करते हैं, और उसमें से बाहर निकल कर जो भी उसके ऊपर वो लगे होते हैं दीवार के ऊपर पेपर्स वगैरह कवर्ड, वो सारे के सारे फाड़ दिया करता है। और फिर उसके बाद जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो अदर एनिमल्स होते हैं उनको किसी भी हालत में सोने नहीं देता है, रात पर बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया करता है। तो दादाजी जब सहारनपुर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये डिसाइड किया करते हैं कि इसे पेंशन लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो डिसाइड करते हैं इसे भी वो साथ अपने लेकर जाएंगे। तो कैनवास वगैरह जो एक थैला होता है कैनवास का, उसमें इसे पैक कर लिया जाता है और फिर इसे लेके जाया करते हैं। तो स्टेशन पर जब ये रह जाता है तो वहाँ पर उछल कूद कर चलता है और सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड जो अकर होता है वो कब होता है, स्टेशन पर जब वो टिकट कलेक्टर आकर इनसे टिकट के बारे में पूछा करता है, तभी दादाजी इसे कहीं थोड़ा सा खोल दिया है और ये अपना मुंह निकाल कर और टिकट कलेक्टर को एक गुड़की दे दिया करता है। जब उसे ये गुड़की देता है तो ये देख लिया करता है और वो चौंक के एकदम कहता है दादाजी से कि यू हैव अ डॉग और इसका आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो एज अ टिकट या पेनल्टी कुछ भी कह सकते हैं आप, दादाजी को उसके लिए कितना पे करना पड़ता है, दादाजी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट अ डॉग, है ना, ये एक डॉग नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं मानने के लिए तैयार होता। वो कहता है इट इज़ क्वाड्रप्ट, ये चार पैरों वाला जीव है और इसका जो टिकट है वो इक्वल टू डॉग लगेगा। और फिर वो क्या करते हैं, डॉग की कैटेगरी में रखकर उसका पे कर दिया करते हैं, कितना, 3 रुपीज़, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। एंड लेटर दादाजी को अजीब लगता है कि बताओ इसका भी इतना हाई चार्ज ये जो टिकट कलेक्टर हैं लगा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। दादाजी कहते हैं कि आप तो जानवरों का भी ले लिया करते हो, तो उनकी जेब में एक टॉर्टॉइस और हुआ करता है ना टर्टल, उसे और निकाल कर हाथ पे रख के दिखा दिया करते हैं, अच्छा तो फिर ये बताओ इसका कितना देना होगा। तो वो जो टिकट कलेक्टर है एट लास्ट मना कर दिया करता है, वाई, वो कह देता है नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ डॉग, कारण उसका क्योंकि ये जो है वो एक कुत्ता नहीं है, ये क्या है, एक टर्टल है और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। तो जब टोटो को अंततः स्वीकार कर लिया गया दादी माँ के द्वारा तो उसे क्या किया गया, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम, तो उसे एक कम्फर्टेबल होम दे दिया गया, बड़ा ही आरामदायक जगह दे दी गई रहने के लिए इन द स्टेबल, स्टेबल में, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। तो नाना कौन है यहाँ पर, अपने वाले नाना नहीं है, डोंकी का नाम है ना, तो वहाँ पर एक इनका कंपेनियन मिल गया, एक इनका साथी मिल गया, बहुत अच्छा सा फैमिली डोंकी था इनके पारिवारिक कहीं ना कहीं। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो दादाजी ने सोचा कि चलो देख कर आते हैं कि कहीं ना कहीं ये कम्फर्टेबल तो है, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है टोटो को, आराम से रह तो पा रहा है। तो ऐसे ही देखने के लिए वो कहाँ चले गए, उसी में स्टेबल, अस्तबल कहते हैं जिसे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अरे ये तो अजीब दृश्य नज़र आया उन्होंने जब वहाँ पे जाकर देखा, तो आश्चर्य हुआ उन्हें बहुत ज़्यादा देखकर कि क्या पाया उन्होंने, विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, बहुत तेज से खिंचा हुआ उधर से खड़ा हुआ था, कौन, नाना खिंचे हुए खड़ी हुई थी, trying to keep her head as far as possible from bundle of hay, अपने सिर को, अपने मुंह को जो भूसे का ढेर था या बंडल ऑफ हे, सूखी घास का जो बंडल होगा, उससे जितनी दूर हो सकता था खिंच के खड़ी हुई थी, कौन, नाना।
ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. ग्रैंडफादर ने क्या किया, पीछे से खींच के हाथ मारा किसके, नाना के. एंड शी जग्ड बैक, और उसने भी पैर मारा पीछे, ड्रैगिंग टोटो विद हर. क्या है, टोटो को खदेड़ दिया एकदम. ही हैड फास्टन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. उसने क्या किया था, टोटो ने उसके कान पर तेज से काट लिया था, खूब नुकीले दांत जो थे ना उसके, वो गड़ा दिए थे किसके कान पर, नाना के कान पर. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. तो ये जो थे किस उम्मीद में थे कि इन दोनों की मित्रता करवा दी जाए, लेकिन ये जो दोनों थे कभी भी एक दूसरे के मित्र नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रेट फॉर नाना ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. एक बहुत अच्छी सी ट्रीट दी गई थी टोटो को, किसके लिए, कब, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी ना, तो बहुत अच्छी सी एक पार्टी तौर पे, मतलब एक आनंददायक चीज़ बहुत किसके लिए की गई थी, टोटो के लिए. ये थी विंटर इवनिंग सी बहुत. वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम, तो उसे एक काफ़ी बड़ा सा बर्तन जिसमें गर्म पानी भरा हुआ था दे दिया गया, किसके द्वारा, दादी माँ के द्वारा, ताकि वो वहाँ पर नहा ले. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. अब वो भी बड़ा चालाक था, मंकी जो था ना, तो बड़ी चालाकी से वो उसके टेम्परेचर को पहले चेक किया करता था, उसमें हाथ डाल के देखता था कि सही है कि नहीं है. देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ. फिर क्या किया करता था, वो धीरे से उसके अंदर एक पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, और उसमें नहाना शुरू कर दिया करता था. फर्स्ट वन फुट देन द अदर, है ना, ऐसे करके. ही हैड सीन मी डूइंग, जिस तरीके से उसने मुझे करते हुए देखा था ना, ये टब वगैरह में नहाते होंगे राइटर, तो उसी तरीके से इसने भी सीख लिया होगा. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर कहाँ बैठता चला जाता था उस पानी के अंदर, और तब तक जब तक कि पूरा गर्दन के बराबर नहीं डूब जाया करता था, उसके अंदर जाता रहता था. वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. फिर जब पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाया करता था ना, उसके बाद हाथ में साबुन लिया करता था और अपनी पूरी बॉडी पे अच्छी तरीके से हाथ पैरों पे मला करता, रगड़ा करता था उसे. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. जब पानी ठंडा हो जाता, खूब नहाता रहता, काफ़ी देर तक नहाता रहता, जब पानी ठंडा हो जाया करता था तो वहाँ से निकल कर जितनी तेज हो सकता था दौड़ा करता था, और कहाँ पर पहुँच जाया करता था, किचन फायर पे, है ना, किचन के अंदर जो फायर जल रही होती, आग चल रही होती थी, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर बैठ कर सुखा सके. इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोस फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ. अगर इस सारी चीज़ों को करने के दौरान उसके ऊपर कोई हंस जाता तो टोटो की फीलिंग्स को काफ़ी चोट पहुंचती थी, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती थी, और फिर वो आगे से नहाने के लिए मना कर दिया करता था. इसलिए आप सब कुछ देख तो सकते थे लेकिन हंस नहीं सकते थे, हंसी वाली चीज़ें तो कर रहा होता था वो, लेकिन आप उसके सामने हंस नहीं सकते थे. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन की बात रहे कि टोटो तो अपने आप को जिंदा ही उबालने ही वाला था. कैसे, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिड. एक दिन की बात है, एक बड़ी सी कैटल जो थी किचन में रखी, छोड़ दी गई फायर के ऊपर, है ना, ताकि उसमें आगे चाय बनाई जा सके टी के लिए, तो पहले पानी गर्म किया जाता है, वही हो रहा था. टोटो ने क्या देखा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि इसमें गर्म पानी रखा हुआ, उसने ढक्कन हटा दिया ना उसका, उसमें से वाप निकली. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ. तो वो क्या किया करता था, वो पहले चेक किया करता था, हाथ डाल के चेक करता था कि ये वाटर जो है थोड़ा सही है कि नहीं है. तो उसने हाथ डाल के देखा और पाया कि बिल्कुल उतना ही गर्म है जितना कि उसे नहाने के लिए चाहिए था, है ना. लेकिन ये उसे कहाँ पता कि ये वाटर जो है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, आग के ऊपर, और थोड़ी देर में और भी गर्म होने वाला है. तो उसने उसमें हाथ डाल के देखा, अभी कंफर्टेबली उतना ही गर्म था जितना कि उसे चाहिए था. ही गॉट इन, और फिर क्या था, जैसा कि वो किया करता था ना, वो उसके अंदर एंटर कर गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल. और उसका जो सिर था वो खुली हुई जो कैटल थी, केतली थी, उसके बाहर से दिख रहा था, निकला हुआ था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल. थोड़े समय के लिए तो सब कुछ सही था, क्योंकि अभी पानी पूरी तरीके से गर्म नहीं हो पाया था. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, तब तक जब तक कि पानी खोलना शुरू ना हो गया हो, उबलना शुरू ना हो गया हो.
टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर उसके बाद क्या था, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उसमें से निकाला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन फिर क्या देखा, अरे बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, सेट डाउन अगेन, फिर से अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए ऊपर नीचे करता रहा, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, तब तक करता रहा जब तक कि दादी माँ वहाँ पर नहीं आ गई हों, हॉल्ड हिम, और वहाँ से उसे खींच के निकाला। हब वर्ल्ड, अब तक क्या हो चुका था, आधा उबल चुका था, आउट ऑफ द कैटल, फिर उन्हें कैटल से बाहर जब आया तो आधा उबल चुका था। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर देखा जाए कि किसी के अंदर शरारत के लिए दिमाग का एक हिस्सा होता है ना, तो शायद टोटो के अंदर वो दिमाग का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था, ज़्यादा शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा क्या किया करता था कि जो चीज़ें उसे मिला करती थी उसके बहुत अच्छे से टुकड़े किया करता था, बारीकी से फाड़ा करता था उन्हें। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब जब मेरी चाची वहाँ पर आया करती थी, आंट आया करती थी, मौसी दादी, मौसी चाची बुआ कोई भी होंगी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, क्या किया करता था, उनके कपड़ों में फाड़ कर हमेशा एक छेद बना दिया करता था और कोशिश किया करता था बड़ा सा बनाए, है ना, एंड टीयर अ होल इन इट, फाड़ के उसे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन की बात है, पुलाव की एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट रखी हुई थी, है ना, पुलाव की भरी हुई प्लेट डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई थी, लंच का समय था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हम रूम के अंदर आए तो क्या देखते हैं कि वो जो था ज़बरदस्ती अपने मुँह में क्या भरे पड़ा है, राइस, चावल। My grandmother screamed, ये देखकर मेरी दादी माँ काफ़ी तेज से चीख पड़ी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जैसे ही वो चिल्लाई एक प्लेट उठाकर टोटो ने किसके मुंह पे मारी, जो चिल्ला रहा था ग्रैंड मदर के ऊपर। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, तभी उसे उन्हें बचाने के लिए मेरी जो आंट थी वो एकदम तेज से दौड़ कर गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके मुँह पर क्या पड़ा खींच के, ग्लास, है ना, वाटर का भरा हुआ। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of plow and made his exit through a window, तो उसने बड़ी सावधानी से, लाइक अ बेटा, तो वो प्लाव की डिश जो थी उसे उठाया और विंडो से चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, और फिर हम जब लोगों ने सबने देखा निकल के बाहर तो कहाँ पे था, एक कटहल के पेड़ के ऊपर। The dish is still in his arms, अभी भी उसके हाथों में डिश जो थी वो बनी हुई थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice. पूरी दोपहर वहीं धीरे धीरे बैठा बैठा वो राइस को खाता रहा, determined on winning every grain. ऐसा लग रहा था कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि एक एक दाना खत्म करके ही नीचे उतरूंगा। And then in order to spit, और फिर क्या था, grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. अब क्या था भैया, अभी दादी जी थोड़ा सा कम गुस्सा थी ना, थोड़ा गुस्सा तो थी, अभी थोड़ा सा और थोड़ा गुस्सा दिलाना चाह रहा था। हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, जो कि उसके ऊपर डांट लगा रही, चिल्ला रही, चिल्लाई, तो उसने क्या किया, जो ऊपर से डिस पकड़े हुआ था हाथ में उसे उसने ऊपर से ही छोड़ दिया, डाउन फ्रॉम द ट्रे, एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और ऊपर से गिरकर जब नीचे टूटी, वो बहुत 100 टुकड़ों में टूट गई वो ना प्लेट, तो खूब तेज से चैटर किया उसने, खूब चिल्लाया और खूब तेज से पेड़ हिलाते हैं ना पकड़ के, खूब खुश होते हैं, तो वो कर रहा था वहाँ से बैठा बैठा, ऐसा था टोटो। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, निश्चित ही इससे इतना तो समझ आ चुका था कि टोटो एक इस तरीके का जीव नहीं है जिसे हम लंबे टाइम तक अपने घर पर रख सकें, पाल सकें। Even grandfather realized that, और ये चीज़ जो थी वो दादाजी को भी पता चल गई थी। We were not well to do, अब क्या था, अब इतने ज़्यादा अमीर तो थे नहीं हम लोग, and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, और जो हम लोग थे भाई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि वो सारे के सारे ये बर्तन तोड़ता रहे, कपड़े फाड़ता रहे, curtains को नोच के फेंकता रहे, wallpapers को फाड़ता रहे और सहन करते रहे। So grandfather found the tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. और इस तरीके से दादाजी जो थे उन्होंने दोबारा से उस tonga driver को ढूंढा और उसे ढूंढ कर कहा भैया इसे तुम ले लो, और दोबारा से उसे कितने रुपए में बेच दिया, 3 रुपए में। कितना अच्छा खासा लॉस के बाद इस
टोटो को जिस जगह से लाए थे वहाँ पे दोबारा से पहुँचाना पड़ा। तो दिस वॉज योर स्टोरी, शायद आपको पसंद आई होगी। देखते हैं, ये है आपकी टर्न स्टिल, ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेशंस या पार्क्स वगैरह में देखते होंगे, है ना। एक एक करके ये आदमी जा सके, एक घूम जाता है तो दूसरा आ जाता है ना, तो ये टर्न स्टिल कहलाता है। तो इसे आप देखते होंगे ताकि एक एक करके आदमी निकल सके, दैट इज़ कॉल्ड द टर्न स्टिल। हॉल्टर होता है अ रोप और स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल। तो लगाम वगैरह है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। टर्न स्टिल जो घूम घूम के निकलने वाला दरवाज़ा होता है उसके बारे में बात की है। हॉल्टर होता है लगाम वगैरह के बारे में, यूज्ड फॉर लीडिंग और टीदरिंग इट। तो गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर आपको खुद करने हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू? टोटो दादाजी के प्राइवेट ज़ू में किस तरीके से आया था? टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो जो था एक प्रिटी मंकी था, काफ़ी अच्छा जानवर, सुंदर जानवर था। किस सेंस में, कैसे आपको लग रहा है, किस सेंस में आप बताएंगे कि टोटो जो था वो एक प्रिटी मंकी था? तो अकॉर्डिंग टू दादाजी, वहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा है टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, तो उसके आसपास इन्होंने किस तरीके से तारीफ की है, क्या बताया, वो लाइन्स आपको फाइंड आउट करके लिखनी है। और आपको जो भी लग रहा हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो आपको बता देना है। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? तो दादाजी, अभी हमने आपको बताया तो दादाजी जो सहारनपुर के लिए टोटो को लेकर गए थे तो कैसे लेकर गए थे और क्यों लेकर गए थे। तो उसने पहले ही दिन आके बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया था ना घर में, वो ब्लेजर फाड़ना और सारे के सारे वो डेकोरेटेड पेपर्स जो थे वो फाड़ के फेंक देना, और उसमें जो केस था पिंजड़े के अंदर किसी भी जानवर को ना सोने देना। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा रहेगा कि अपने साथी से ले चलें, है ना। और कैसे लेकर गए थे, कैनवास का एक बड़ा सा बैग बनवाया, उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉ वगैरह भरा, है ना, घास वगैरह, उसमें उसे बंद कर लिया। तो ये ऐसे लेके गए थे। यू विल फाइंड इट आउट एंड यू राइट इट इन इंग्लिश, आप जो चैप्टर है उसी में से फाइंड करके वो सारी लाइन्स और कुछ सेंटेंस अपने खुद बनाकर इस आंसर को कम्प्लीट करेंगे, बट कहीं से कॉपी नहीं करेंगे। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो इनके ऊपर, दादाजी के ऊपर इस चीज़ का दबाव डालता है और बोलता है कि ये डॉग है, है ना, जबकि दादाजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉग नहीं है, लेकिन वो कह रहा है डॉग है। तो ऐसा वो क्यों करता है? कारण उसका ये रहता है कि जो रेलवे है उसमें चार पैरों वाला कोई भी जीव इतनी बड़े आकार का जो कि डॉग के समान है, उसे उतना ही फेयर ट्रीट किया जाएगा जितना कि डॉग के लिए किया जाता है। तो बंदर जो है चार पैरों वाले जानवर की श्रेणी में आया करता है और वेट में थोड़ा कम लेकिन उसी के बराबर कहीं ना कहीं होता है डॉग के जैसा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे डॉग्स भी होते हैं। तो उसको डॉग की श्रेणी में रख के उसका टिकट बनाता है, बिकॉज देर इज़ नो कैटेगरी ऑफ मंकीज इन द लिस्ट। तो हो सकता है वो टिकट कलेक्टर की लिस्ट में कहीं पर मंकी के लिए टिकट का कोई प्रावधान ना हो, तो वो चार पैरों वाले जानवर के तौर पर उसे उस कैटेगरी में रख के, डॉग की कैटेगरी में रख के उसका टिकट बना दिया करता है। दैट्स व्हाई। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो किस तरीके से नहाता था, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, आपको बता देना है। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? उसने कहाँ से करना सीखा था, तो ये भी आपको बता रखा है। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव? एक बार की बात है, टोटो अपने आप को पूरी तरीके से उबालने वाला था, वो कौन सा छड़ था, कब ऐसा होने वाला था वो बताना है। वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? तो ये लास्ट में सीधी सीधी लाइन्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको फाइंड आउट करके इसका आंसर कर देना है। क्योंकि बताते हैं अमीर वाला और ये सारा कुछ जो लॉस है उसके बारे में, तो वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। डू यू हैव अ पैट? क्या आपके पास कोई जानवर है? इज़ योर पैट मिसीवस? क्या आपका जो पालतू जानवर है वो शरारती है? टेल द क्लास अबाउट इट। तो इसे आपको खुद बात करनी है एंड इस ना रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।